इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि प्राचीन काल से ही सारस बच्चे डिलीवरी करने का काम करते आ रहे हैं। छोटे बच्चों के डिलीवरी करने का काम बहुत ही मुश्किल था और सारसों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल गया और अब सारस बच्चों की डिलीवरी करने की जगह लोगों के सामान डिलीवर करते हैं। और इस समय सामान डिलीवर करने की सबसे बड़ी कंपनी का नाम कॉर्नर स्टोर होता है, जिसमें लाखों की संख्या में सारस डिलीवरी एजेंट के रूप में काम करते हैं। इसके बाद हम जूनियर नाम के एक सारस को देखते हैं, जिसने आज सबसे ज्यादा पैकेट डिलीवर करने का रिकॉर्ड बनाया होता है और सभी उसके इस अचीवमेंट पर उसे बधाई दे रहे होते हैं कि तभी उसे बताया जाता है कि हंटर बॉस उसे बुला रहे हैं। ये सुनकर जूनियर हंटर बॉस से मिलने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन वो थोड़ा नर्वस भी होता है क्योंकि आज वो corner.com के सीईओ से मिलने वाला होता है। अब जूनियर हंटर बॉस के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि हंटर बॉस एक कांच की खिड़की के पास खड़ा होता है, जहां से तेज रोशनी आ रही होती है। हंटर बॉस जूनियर से पूछता है कि तुम्हें पता है मैंने अपने ऑफिस में कांच के शीशे क्यों लगवाए? इस पर जूनियर कहता है कि नहीं, उसे बिल्कुल नहीं पता। ये सुनकर हंटर बॉस जूनियर को अपने पास बुलाता है और बाहर दिखाते हुए कहता है कि बाहर से कोई बर्ड्स उन्हें नहीं देख सकता, पर वो यहाँ अंदर से सारे बर्ड्स पर अपनी निगरानी कर सकता है और बहुत ही जल्द ये जिम्मेदारी उसे दे दी जाएगी, क्योंकि उसके काम को देखते हुए इस कंपनी का नया सीईओ उसे बनाया जाने वाला है। ये सुनकर जूनियर बहुत खुश होता है। इसके बाद हंटर बॉस जूनियर को एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कई साल पहले जब सारस बच्चे डिलीवरी का काम किया करते थे, तो एक सारस जिसका नाम जैस्पर था, उसे एक छोटी बच्ची इतनी पसंद आई कि वो उसे अपने पास रखने की जिद करने लगा, लेकिन ये उनके नियम के खिलाफ था और इसीलिए उससे उस बच्ची को छीन लिया गया। पर इसी दौरान उस बच्ची का लोकेशन डिस्क नीचे गिरकर टूट गया। जैस्पर तो उस दिन वहां से निकल गया, लेकिन उस बच्ची के लोकेशन डिस्क के टूट जाने की वजह से वो उसे डिलीवर नहीं कर सके और तब से लेकर वो आज तक यहीं रहती है और कुछ ना कुछ बनाती ही रहती है, जिससे इस कंपनी को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। और इसीलिए तुम्हें ये काम दिया जाता है कि तुम किसी भी तरह उस बच्ची को कंपनी से बाहर निकालो, क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है और उसे जल्द से जल्द इंसानों के पास भेजने का कुछ प्रबंध करो। ये सुनकर जूनियर कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद जूनियर उस लड़की के पास पहुंच जाता है, जिसका नाम टूलिप होता है। वो एक ऊंची जगह पर खड़ी होकर अपने उड़ने वाले गैजेट्स का परीक्षण कर रही होती है और जब जूनियर उसे बुलाता है तो वो अपने उड़ने वाले गैजेट्स की मदद से जूनियर के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन वो और उसके साथी अपना बैलेंस खो देते हैं और वो इधर उधर उड़ने लगते हैं। ये देखकर जूनियर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है और उसकी वजह से पूरी कंपनी में आग लग जाती है, जिससे कंपनी और भी घाटे में चली जाती है। अब इससे पहले कि जूनियर टूलिप को कंपनी से बाहर निकालता, उसे पता चलता है कि आज टूलिप का बर्थडे है, इसीलिए वो चाहकर भी टूलिप को कंपनी से बाहर नहीं निकाल पाता, लेकिन वो किसी तरह उसे वहाँ की बंद पड़ी बेबी मेकिंग डिपार्टमेंट का हेड बना देता है और वो टूलिप से कहता है कि यहाँ का सबसे पहला रूल है कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब टूलिप अकेले बेबी फैक्ट्री में रहने से बोर हो जाती है और वो खुद से ही बातें करने लगती है। इसके बाद हम नेड नाम के एक छोटे लड़के को देखते हैं, जो अपने घर में अकेले ही खेल रहा होता है, क्योंकि उसके पेरेंट अपने काम में ही बिजी रहते हैं और वो उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से नेड बहुत अकेला फील करता है। और जब वो दूसरे बच्चे को अपने भाई बहनों के साथ खेलता देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। अब एक दिन जब नेड अपने कमरे में बैठा होता है कि तभी उसे स्ट्रोक कंपनी की पुरानी एड दिखाई देती है, जिसमें बताया गया होता है कि अगर आपको एक बेबी की जरूरत है तो उन्हें कॉन्टेक्ट करें। ये देखकर नेड भी स्ट्रोक कंपनी को एक निंजा भाई के लिए लेटर लिखकर सेंड कर देता है। इसके बाद हम टूलिप को देखते हैं, जो बेबी फैक्ट्री में अकेले होने की वजह से खुद से ही बातें कर रही होती है कि तभी उसे नेड का लेटर मिलता है, जिसे पाकर टूलिप बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ हम जूनियर को देखते हैं, जो हंटर बॉस को बता रहा होता है कि उसने टूलिप के मैटर को सॉल्व कर दिया है। ये सुनकर हंटर बॉस उस पर बहुत खुश होता है कि तभी कंप्यूटर पर बेबी फैक्ट्री से टूलिप की वीडियो आने लगती है। ये देखकर जूनियर किसी तरह कंप्यूटर को ऑफ कर देता है और हंटर बॉस से बहाना बनाकर वो टूलिप की तरफ निकल पड़ता है। इसके बाद वो टूलिप को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक टूलिप बेबी मेकिंग मशीन को एक्टिवेट कर देती है। ये देखकर जूनियर पूरी तरह से डर जाता है, क्योंकि अब बेबी बनाने पर रोक लगा दिया गया होता है। इसके बाद वो किसी तरह उस मशीन को बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि उसके सामने एक लिटिल बेबी होती है। अब इससे पहले कि ये बात हंटर बॉस को पता चले और वो जूनियर को कंपनी से निकाल दे, जूनियर किसी भी तरह इस मैटर को सॉल्व करना चाहता है, इसीलिए वो बाकी के बर्ड से बचते हुए टूलिप के साथ उस बेबी को डिलीवर करने के लिए निकल पड़ता है। और जब वो एक चट्टान के पास से गुजरता है तो जैस्पर उन्हें जाते हुए देख लेता है और वो भी उनकी तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम नेड को देखते हैं, जो अपने भाई के आने के लिए लैंडिंग पैड बना रहा होता है। नेड को यह करता हुआ देखकर उसके डैड उसके पास आते हैं।
और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि सारसो ने ये काम करना कब का बंद कर दिया है, लेकिन नेड अपने पिता की बातों का ध्यान नहीं देता है। अगले सीन में हम टोडी नाम के एक बर्ड को देखते हैं, जिसे जूनियर और टूलिप पे शक होता है कि वो जरूर उससे कोई बात छुपा रहे हैं, और इसीलिए वो अपने ड्रोन पर बैठकर उनकी तरफ निकल पड़ता है। टूलिप और जूनियर अपने एरोप्लेन में बैठकर बेबी को डिलीवर करने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पर टूलिप जूनियर को परेशान कर रही होती है, और अब जूनियर टूलिप पर गुस्से में चिल्लाता है तो वो डरकर एरोप्लेन से नीचे गिरने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरती जूनियर उसे पकड़ लेता है। अब यहाँ पर टूलिप को बेबी की रोने की आवाज आने लगती है। ये देखकर टूलिप जूनियर के मना करने के बावजूद बेबी को बॉक्स से बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है, और इसी दौरान उनकी प्लेन क्रैश होकर नीचे गिर जाती है, लेकिन वो दोनों किसी तरह बाल बाल बच जाते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि बेबी बॉक्स से कोई हलचल नहीं हो रही है। वो जल्दी से उस बॉक्स को खोल कर देखते हैं, पर बेबी वहां पर सही सलामत होती है। अब क्योंकि इनका प्लेन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, इसीलिए जूनियर बेबी को लेकर अकेले ही उसे डिलीवर करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वहां से कुछ ही दूर जाने के बाद कुछ भेड़िए जूनियर पर अटैक कर देते हैं और उसे बंदी बनाकर अपनी गुफा में ले आते हैं। यहाँ पर वो भेड़िए बेबी को खाने ही वाले होते हैं कि बेबी की प्यारी सी मुस्कान देखकर वो उसे पसंद करने लगते हैं, और वो बेबी को हमेशा अपने पास रखने के लिए राजी हो जाते हैं। ये सुनकर जूनियर बोलता है कि चलो अब बेबी को उसका ख्याल रखने वाला मिल गया और उनका काम भी खत्म हो गया। लेकिन टूलिप जूनियर की बात से एग्री नहीं करती है और वो बेबी को उसके रियल फैमिली तक पहुंचाना चाहती है। अब टूलिप किसी तरह बहुत मुश्किल से भेड़ियों को चकमा देकर बेबी और जूनियर के साथ वहां से निकल जाती है, और भेड़िया इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो भेड़िए बहुत दूर तक इनका पीछा करते हैं, लेकिन ये लोग किसी तरह से भेड़ियों से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर जैस्पर भी होता है जो ये सब देख रहा होता है, और वो माई बेबी बोलकर एक बार फिर छोटी बच्ची का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हम नेड को देखते हैं जो अपने डैड के साथ अपने भाई के लिए हेलीपैड बना रहा होता है। तभी वहां पर नेड की मॉम आ जाती है, जो नेड को अपने डैड के साथ ऐसा करते हुए देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ पर नेड के डैड उसकी मॉम को समझाते हैं कि उन्हें नेड के साथ कुछ समय बिताना चाहिए और उसे प्यार करना चाहिए। ये सुनकर नेड की मॉम भी उनका साथ देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम टूलिप और जूनियर को देखते हैं जो बेबी को चुप कराने और उसका देखभाल करने में लगे होते हैं। अगले सीन में हम टोडी को देखते हैं जो जूनियर और टूलिप का पीछा करते हुए कुछ जानवरों के ग्रुप से मिलता है, और वो उनसे जूनियर के बारे में पूछता है, लेकिन वो जानवर टोडी को कुछ नहीं बताते क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं होता है। इसके बाद हम जूनियर और टूलिप को देखते हैं जो बेबी का ख्याल रखने में बिजी ही होते हैं। यहाँ पर टूलिप जूनियर को ये बताती है कि उसे लगता है कि एक ना एक दिन उसके भी रियल पेरेंट जरूर मिल जाएंगे, और इसीलिए वो अपने टूटे हुए लोकेशन डिस्क को लॉकेट बनाकर हमेशा अपने पास रखती है। टूलिप की बातें सुनकर जूनियर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, और वो टूलिप को विश्वास दिलाता है कि एक ना एक दिन उसके पेरेंट जरूर मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम टोडी को देखते हैं जो एक दूरबीन की मदद से जूनियर और टूलिप को उस बेबी के साथ देख लेता है, और वो ये बात जाकर अपने बॉस को बता देता है। जूनियर का बॉस ये सुनते ही अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर जूनियर को इस डिलीवरी देने से रोकने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ नेड के माता पिता भी उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, और वो नेड के आने वाले भाई के लिए घर को सजाने में उसकी मदद कर रहे होते हैं। इसके बाद हम टोडी को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर की मदद से उस बेबी के डिलीवरी एड्रेस को चेंज कर देता है, और इसके बाद हम जूनियर और टूलिप को देखते हैं जो उस बेबी को लेकर एक बंदरगाह पर पहुंचते हैं जहां पर सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं। उन्हें बेबी को डिलीवर करने के लिए उन सबसे होकर गुजरना होता है। अब ये लोग किसी तरह गार्ड से छुपते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर भेड़िए भी आ जाते हैं जो एक वैन का रूप लेकर टूलिप से बेबी को छीन कर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन किसी तरह टूलिप उस भेड़ियों से बेबी को वापस ले लेती है और जूनियर के साथ वहां से भागने लगती है, और भेड़िए उनका पीछा कर रहे होते हैं। अब ये लोग भागते भागते कांच से बने केबिन में आ जाते हैं। अब टूलिप तो यहाँ से निकल जाती है, लेकिन जूनियर नहीं निकल पाता है क्योंकि बर्ड्स कांच नहीं देख सकते, और तब तक वहां पर भेड़िए भी आ जाते हैं और वो जूनियर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जूनियर भी बहुत मुश्किल से किसी तरह उन कांच को पार करके वहां से निकल जाता है। लेकिन अगले ही पल सारे भेड़िए मिलकर टूलिप और जूनियर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कोई नुकसान पहुंचाते, वहां पर जैस्पर आ जाता है जो जूनियर और टूलिप को बेबी के साथ उड़ाकर एक सुरक्षित जगह पे ले जाता है। उधर जैस्पर टूलिप को बताता है कि सालों पहले वो जिस बेबी को अपने पास रखना चाहता था वो कोई और नहीं बल्कि टूलिप ही थी, लेकिन ये उनके नियम के खिलाफ था और इसीलिए सभी बर्ड्स ने मिलकर उसका विरोध किया। पर कुछ समय बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सालों तक उस टूटे हुए लोकेशन डिस्क की पार्ट को ढूंढता रहा ताकि वो उसे उसके असली घर तक पहुंचा सके। लेकिन तभी टूलिप उसे बताती है कि डिस्क का टूटा हुआ हिस्सा उसके पास है और वो जैस्पर को वो टूटा हुआ हिस्सा देती है, और जब जैस्पर उस टूटे हुए हिस्से को उसके सही जगह पर लगाता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर टूलिप बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो अपने रियल पेरेंट से मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही वो जूनियर से अलग होने पर दुखी भी होती है,
और इसके बाद जूनियर और बेबी से विदा लेकर जेस्पर के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और कुछ देर के बाद वो अपने घर के पास पहुंच जाती है। पर इस समय वो बहुत नर्वस होती है, लेकिन जेस्पर उसे समझाता है कि ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब जाओ और अपने मॉम डैड से मिलो। वहीं दूसरी तरफ हम जूनियर को देखते हैं जो बेबी को लेकर उसके घर के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो गलत जगह पर पहुंच गया होता है क्योंकि टोडी ने बेबी के एड्रेस को चेंज कर दिया था। और यहाँ पर जूनियर को उसका हंटर बॉस मिलता है जो जूनियर से बेबी को छीनकर उसे घर के अंदर कैद कर देता है और बेबी को लेकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम नेड के घर को देखते हैं जहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर एक नोटिस लेकर आया होता है और वो नेड से कहता है कि अब कभी भी स्ट्रोक्स के एड्रेस पर बेबी डिलीवरी के लिए लेटर मत लिखना क्योंकि उन्होंने सालों पहले ये सर्विस बंद कर दिया है। यहाँ पर नेड के मॉम डैड भी उसे समझाते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि अब स्ट्रोक्स बेबी डिलीवरी नहीं करते। ये सुनकर नेड बहुत दुखी होता है और अपने भाई के लिए सजाए गए डेकोरेशन को डस्टबिन में फेंकने लगता है। अगले सीन में हम टूलिप को देखते हैं जो जूनियर के पास पहुंचती है और वो जूनियर को रस्सियों से आजाद कर देती है और इसके बाद वो जूनियर से पूछती है कि बेबी कहाँ है। इस पर जूनियर बताता है कि उसको हंटर बॉस अपने साथ ले गया। ये सुनकर टूलिप अपना दिमाग दौड़ाती है और कॉर्नर के वेबसाइट से एक बड़ा सा बॉक्स ऑर्डर करती है और इसके बाद वो उस बॉक्स को रिटर्न भी कर देती है। और इस प्रकार ये दोनों उस बॉक्स की मदद से कॉर्नर फैक्ट्री में आ जाते हैं जहाँ पर चारों तरफ काफी भीड़ होती है क्योंकि आज हंटर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला होता है। तभी इनकी नजर कुछ पेंगुइन्स पर पड़ती है जो उस बेबी का देखभाल कर रहे होते हैं। इसके बाद ये दोनों एक बॉक्स में बैठकर पेंगुइन तक पहुंच जाते हैं, पर वहां पर पेंगुइन और इन लोगों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। पर किसी तरह ये लोग पेंगुइन से बेबी को लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन जल्दी हंटर को ये बात पता चल जाता है और इसके बाद सारे बर्ड इन दोनों पर हमला कर देते हैं और वो इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। यहाँ पर हंटर जूनियर से बेबी को वापस देने को कहता है और बदले में वो जूनियर को कंपनी में वापस रखने और प्रमोशन का ऑफर भी देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है और जूनियर बेबी बनाने वाली मशीन को एक्टिवेट कर देता है जिससे देखते ही देखते वो मशीन बेबी बनाना शुरू कर देती है और अगले ही पल उस मशीन में से एक छोटी सी बेबी निकलती है जिसे सब देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद उस मशीन से एक एक करके बहुत सारे बेबीज निकलने लगते हैं जिन्हें सभी सारस प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं, लेकिन हंटर को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है और वो सभी सारस को उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने का आदेश देता है, लेकिन कोई भी सारस हंटर की बात नहीं मानता। लेकिन तभी टीडो अपनी छोटी सी एरोप्लेन में बैठकर बेबी मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल वो मशीन से टकराकर नीचे गिर जाता है और मशीन उसे उठाकर बाहर फेंक देती है। इस बात पर गुस्सा होकर वो वहां से निकल जाता है और अगले ही पल वो एक बड़े से मशीन में बैठकर बेबी बॉर्न मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है, लेकिन वो मशीन रिमोट कंट्रोल होती है और उस मशीन का रिमोट छोटी बेबी के पास होता है जिससे वो खेल रहा होता है, जिसके कारण हंटर अपनी जायंट वैन के साथ ही नीचे गिरने लगता है। लेकिन वो नीचे गिरने से पहले जूनियर बेबी और टूलिप को भी नीचे गिरा देता है। ये देखकर सभी सारस बहुत दुखी होते हैं, लेकिन अगले ही पल जूनियर टूलिप और बेबी को लेकर उड़ता हुआ ऊपर आ जाता है जिसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर जेस्पर भी आ जाता है जो अपने साथ उन सभी बेबीज का एड्रेस लाया होता है और इसके बाद सभी सारस एक एक करके फिर से शहर में बेबी डिलीवरी का काम शुरू कर देते हैं। वहीं हम जूनियर और टूलिप को देखते हैं जो उस बेबी को उसके रियल फैमिली तक पहुंचा देते हैं और नेड अपने भाई से मिलकर बहुत खुश होता है, पर उस बेबी से बिछड़ने के बाद जूनियर बहुत दुखी होता है और इसके बाद सभी बर्ड मिलकर टूलिप को उसके घर तक छोड़ने जाते हैं। और जब टूलिप अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसकी फैमिली में ढेर सारे मेंबर होते हैं जो अगले ही पल टूलिप के गले से लग जाते हैं। ये सब देखकर टूलिप बहुत खुश होती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।